हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एक्मे स्मार्ट इनोवेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूज़िक जनरेटर सर्किट यूजिंग आईसी UM66। ये सर्किट एक म्यूज़िक जनरेट करता है। इसके 3 पार्ट्स हैं। आज हम इस सर्किट को 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे UM66 एक आईसी है। सबसे पहले हम देखेंगे UM66, फिर हम देखेंगे ये ट्रांजिस्टर सेक्शन, और थर्ड एंड द लास्ट हम देखेंगे स्पीकर सेक्शन। UM66 एक 3 पिन आईसी है। ये देखिए, ये है UM66 एक 3 पिन आईसी है। ये इसकी पिन नंबर 1 ग्राउंड है। UM66 की पिन नंबर 1 ग्राउंड है। पिन नंबर 2 इज वी इन एंड पिन नंबर 3 इज आउटपुट। ये जो पिन नंबर 3 है, जैसे ये जो फ्लैट वाला, ये देखिए, ये राउंडेड पार्ट है और ये फ्लैट पार्ट है। अगर आप फ्लैट पार्ट टुवर्ड्स फेसिंग यू रखेंगे, अपनी तरफ फेस रखेंगे फ्लैट वाले पार्ट का, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, मिडल वन इज पिन नंबर 2 एंड द राइट वन इज पिन नंबर 3। सो पिन नंबर 1 इज ग्राउंड, पिन नंबर 2 इज वी इन, इनपुट वोल्टेज है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एंड पिन नंबर 3 इज आउटपुट, जो ये अपनी आउटपुट देगा। UM66 आईसी है जो म्यूज़िक जनरेट करता है। वही म्यूज़िक हम स्पीकर से सुनते हैं, बट ये कैसे म्यूज़िक जनरेट करता है? ये स्पीकर को इलेक्ट्रिकल पल्स देता है। तो ये जो म्यूज़िक जनरेट करता है वो इलेक्ट्रिकल पैटर्न में जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में स्पीकर कन्वर्ट करता है, जो कि फिर हम सुनते हैं, जो हम म्यूज़िक और मेलेडी सुनते हैं। तो UM66 की ऐसे इंटरनल कंस्ट्रक्शन है कि अगर हम इसके यहाँ पर वोल्टेज इनपुट देंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये 3 वोल्ट की हमने यहाँ पर बैटरी लगाई है, तो 3 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी है, तो उसका पॉजिटिव वी इन के साथ कनेक्टेड है, पिन नंबर 1 के साथ, पिन नंबर 2 के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है बैटरी का, पिन नंबर 1 के साथ ग्राउंड है, और पिन नंबर 3 पे हमें आउटपुट मिलेगी, वही इलेक्ट्रिकल पैटर्न ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें एक साउंड नहीं इसकी आउटपुट आ रही है, इसकी हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की आउटपुट आ रही है। टे डे 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 डे। तो फ्रीक्वेंसी, वो जो इलेक्ट्रिकल पैटर्न है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। एक ही फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा आईसी UM66 के आउटपुट पे। तो ये जो सिग्नल यहाँ पर जनरेट हो रहा है, इसको हम रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रांजिस्टर की इनपुट पे दे रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, जो ये ट्रांजिस्टर का पार्ट है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहा है UM66, और स्पीकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो हमें ये ट्रांजिस्टर क्यों चाहिए? जो ये UM66 का आउटपुट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है सर्किट का। जो UM66 का आउटपुट है वो बहुत वीक है, तो ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पर एज एन एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, जो कि वीक सिग्नल हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू 1.5K के रेजिस्टेंस के थ्रू इसके बेस पर देंगे, इस ट्रांजिस्टर के बेस पर हम दे रहे हैं, और हमें एम्पलीफाइड आउटपुट इसके कलेक्टर पर मिलेगी। एम्पलीफाइड आउटपुट मतलब जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पैटर्न जनरेट हो रहा है उसकी पावर यहाँ पर बढ़ जाएगी, एम्पलीफाई हो जाएगा, वो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा, सो दैट कि स्पीकर हमें प्रॉपर साउंड दे सके। ये जो BC547 ट्रांजिस्टर है, जो यहाँ पर एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा है, जो इसका वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, इसकी पावर को एम्पलीफाई कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। तो ये देखिए, ये इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है, ये एमिटर है और ये मिडल बेस है। तो ये BC547 भी हमारा ऐसा ही होता है। जैसे अभी आपको UM66 दिखाया था, ये फ्लैट सरफेस है और ये कर्व्ड है। तो अगर आप यही फ्लैट अपनी तरफ फेस की तरफ रखते हुए करेंगे टुवर्ड्स फेसिंग यू, तो जो हमारा राइट होता है ये होता है एमिटर, ये होता है एमिटर। तो ये एमिटर जो है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। यहाँ पर UM66 को भी ग्राउंड दिया हुआ है और ये एमिटर ग्राउंड से कनेक्टेड है। बेस हमारा रेजिस्टेंस के थ्रू UM66 के आउटपुट से कनेक्टेड है। ये बेस है, मिडल पिन, ये मिडल पिन बेस है। और ये लेफ्ट पिन अगर आप फ्लैट अपनी तरफ रखेंगे तो ये जो आपकी लेफ्ट पिन है ये कलेक्टर है जो कि स्पीकर के साथ कनेक्टेड है। ये देखिए, अगर आप फ्लैट अपनी तरफ रखेंगे तो आपका राइट हैंड साइड वाला एमीटर होता है, मिडल वन बेस होता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला कलेक्टर होता है। अब जब यहाँ पर हमें एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा, स्पीकर में कॉयल है, और पर हम अपनी फ्यूचर वीडियो में आपको स्पीकर भी पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि स्पीकर क्या होता है, स्पीकर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं एंड स्पीकर कैसे काम करता है, उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है और वो कैसे काम करता है। बट आप एक ओवरव्यू यहाँ पर देखिए कि स्पीकर के अंदर सेम वो मोटर वाले पार्ट्स हैं, कॉयल है और परमानेंट मैग्नेट है। तो जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसकी कॉयल में देते हैं, स्पीकर की कॉयल में देते हैं, तो ऑलरेडी अंदर परमानेंट मैग्नेट है जिसका एक फ्लक्स है। अब जब हम यहाँ पर देते हैं तो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण जब ये फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो ये दोनों जो फ्लक्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स है, यही सेम प्रिंसिपल है हमारी जब मोटर का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी। हमने प्रीवियस वीडियो में मोटर का इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर जब परमानेंट मैग्नेट का फ्लक्स है और जब हमने कॉइल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, उसके कारण फ्लक्स जनरेट होगा, तो ये दोनों फ्लक्स आपस में इंटरेक्ट होंगे, जिसके कारण स्पीकर का डायफ्राम मूव होगा। अब जब डिपेंडिंग अपॉन कैसी उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है, क्या फ्रिक्वेंसी मिल रही है, उसके अकॉर्डिंगली ये डायफ्राम मूव करेगा। अब जब डायफ्राम मूव करेगा तो एयर जो है वो जो एयर हम साउंड कैसे सुन सकते हैं? अगर वैक्यूम हो, साउंड को मूव करने के लिए, साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए एयर प्रेजेंट होनी ज़रूरी है। अगर किसी जगह पर वैक्यूम होगा तो वहाँ पर हम साउंड नहीं सुन पाएंगे, तो साउंड एयर के कारण हम सुन पाते हैं। तो अब जब वो डायफ्राम मूव होगा तो उसके कारण एयर जो है, एयर का जो इफेक्ट होता है वो होता है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। एयर जो है कंप्रेस होती है और रिलैक्स होती है, वो उसी फॉर्म में वो एयर हमारे ईयर तक पहुंचती है और हम वो पर्टिकुलर साउंड और म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो ये इस सर्किट का प्रिंसिपल है कि UM66 एक इलेक्ट्रिकल पैटर्न ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फिक्स इलेक्ट्रिकल पैटर्न जनरेट करता है जो कि वीक है, उसको हम एम्पलीफाई करते हैं इस ट्रांजिस्टर से। इस ट्रांजिस्टर उस पर्टिकुलर जो यहाँ पर सिग्नल आ रहा है उसको फर्दर उसका पावर एम्पलीफाई करता है, जो कि हम अब स्पीकर को देते हैं और फिर स्पीकर से हमें साउंड मिलती है, प्रॉपर हम म्यूज़िक सुन सकते हैं। चलिए एक बार हम सर्किट देखते हैं। अब अगर हम ये सर्किट देखेंगे तो इस सर्किट में जैसा अभी हमने देखा है वैसा ही कनेक्टेड है। ये देखिए, ये हमारा UM66 है, ये हमारा UM66 है। ये UM66 की अगर देखिए, अगर ये मैंने फेस अपनी तरफ रखा, ये फेस हमने अपनी तरफ रखा। तो UM66 का जो पिन नंबर 3 है, ये देखिए जो पिन नंबर 3 है, जो आउटपुट है वो रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्टेड है। ट्रांजिस्टर का जो राइट हैंड साइड है, चलिए पहले हम UM66 ही डिस्कस करते हैं। UM66 का जो राइट हैंड साइड है वो रेजिस्टेंस के थ्रू पिन नंबर 3 रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्टेड है। पिन नंबर 1, ये देखिए UM66 का पिन नंबर 1, देखिए यहाँ पर ब्रेडबोर्ड के कॉलम्स कनेक्टेड होते हैं, तो देखिए ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। पिन नंबर 2 हमने स्विच के थ्रू, ये देखिए आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, पिन नंबर 2 स्विच पे जा रही है और स्विच का दूसरा एंड पॉजिटिव से कनेक्टेड है। सिमिलर ऐसा ही हमने सर्किट पे किया है। और ट्रांजिस्टर का जो बेस है, ये देखिए जो मिडल है वो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। जो एमीटर है, एमीटर मीन्स आपको बताया राइट हैंड साइड वाला एमीटर, ये देखिए ग्राउंड से कनेक्टेड है। ट्रांजिस्टर का एमीटर और UM66 का ग्राउंड, ये दोनों हमने जोड़े हुए हैं, सेम कॉलम में कनेक्टेड है। और हमारा इसका जो कलेक्टर है ये हमारा स्पीकर पे जा रहा है, ये देखिए, और स्पीकर के दूसरे एंड को पॉजिटिव दिया हुआ है यहाँ पर ही स्विच के थ्रू। तो आप देख सकते हैं ये सर्किट हमारा पूरा वैसा ही हमने कंप्लीट किया है जैसे आपको इस डायग्राम पे दिखाया गया है। ये बैटरी यहाँ पर हमने 3 वोल्ट की यूज़ कर रहे हैं, 3 वोल्ट की बैटरी। चलिए इसको एक बार चलाकर देखते हैं। तो ये देखिए ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अगर आप इस स्पीकर के यहाँ पर फिंगर रखेंगे तो आप फील कर सकते हैं कि ये डायफ्राम मूव हो रहा है, जो कि फिर एयर को मूव करता है, जिससे कि हम साउंड सुन सकते हैं। उम्मीद है ये सर्किट आपको समझ में आया होगा, इसमें आपने कुछ सीखा होगा। अगर ये सर्किट आपको अच्छा लगा, आपने इसमें कुछ सीखा, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। और अगर आप ये किट परचेज़ करना चाहते हैं तो ये किट आप हमसे ले सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू।